नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर से चिंतित सरकार काफी प्रयास कर रही है किसी तरह से धान का उत्पादन कम किया जाए, मगर किसान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अन्य फसलों के बजाय धान के दाम अच्छे मिलते हैं। इसी लालच में किसान लगातार धान की बिजाई करते हैं और भूजल स्तर का दोहन होता जाता है। यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में करीबन धान का रकबा दुगना हो गया है और भूजल स्तर इतनी ही तेजी से नीचे गिरा है क्योंकि धान को काफ़ी अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए किसान ट्यूबवेल के जरिए भूजल को नीचे से निकालते हैं। भूजल तेजी से दोहन होने के कारण फतेहाबाद जिले के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन ने इसे डार्क जोन घोषित किया हुआ है। टोहाना का बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जिसमें पहले से डार्क जोन में इसे शामिल किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो फतेहाबाद जिले में 10 वर्ष पहले करीबन 52,000 हेक्टेयर में धान की बिजाई होती थी, जो अब बढ़कर 1,17,000 हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी भूमि से निकाला जाता है ट्यूबवेलों के जरिए। इसीलिए सरकार ने इस बार मक्के की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत सरकार न्यूनतम मूल्य पर किसानों की मक्के की फसल सरकार की एजेंसियों के मार्फत खरीदेगी। अधिकारियों ने बताया कि भूजल स्तर जिस तरह से नीचे जाता जा रहा है, इसके इलाके में काफ़ी खतरा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि प्रतिकूल और रेतीली ज़मीन में धान की बिजाई न करें, क्योंकि इन इलाकों में पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है और ट्यूबवेल से पानी को खींचा जाता है, जो एक चिंता का विषय है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल, फतेहाबाद से भांबू की विशेष रिपोर्ट। 170 रुपये का वाटर लेवल है, उसके अलावा मतलब 400 फुट पैप पैदा पक्का, फिर छल पैदा, छल मार के उस थले वाला पानी लगता है, इससे फिल्टर पानी का तो रेता लगता है। तो सीजन से किन्ने के ट्यूबवेल लग जाते हैं जी? 15 भी लग जाने, 10 भी लग जाने, क्यों जे ना टाइट हो गए तो फिर तो छेदी निकल जाएगा, मेरा महीना भी पै जाता है। तो पानी लगातार थले जा रहे हैं जी? पानी मतलब जाता है सीजन में 10-15 फुट तक जाता है। 10-15 फुट चला जाता है? 10-15 फुट तक जाता है। हर बारी चला जाता है? हर बारी, कई बार जाता है, बर्फ पै जाता ही नहीं है। ने कहा कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है क्योंकि हमारे किसान भाई अनजानपने में पानी का दोहन ज़मीन से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि आज से 10 साल पीछे जाएं तो इस ज़िले में 2006-07 में जहाँ 1,20,000 हेक्टेयर एरिया नरमे के अंतर्गत आता था, जो अब घटते घटते जो है हम 67,000 हेक्टेयर पर पहुँच चुके हैं, और उसके विपरीत धान का एरिया दिनों दिन किसानों ने बढ़ा दिया और 1,17,000 हेक्टेयर धान का आ गया, जो कि 2006 में सिर्फ 52,000 हेक्टेयर इस ज़िले में था। तो पानी का दोहन उस वजह ज़्यादा हो रहा है। इसमें हम लोगों से, किसानों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम जो क्षेत्र ज़्यादा धान के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जो भूमि रेतीली हैं, वहाँ जो है उनको ना लगाया जाए, लेकिन कुछ धान का उत्पादन जो है वो श्योरिटी में है, कुछ रेट कई बार अच्छे मिल जाते हैं तो किसान जो है उसकी तरफ अग्रसित हो रहे हैं। हमारे यहाँ बात करें तो जैसे डायरेक्ट जोन आपकी भाषा में कहें नोटिफाइड एरिया हम बोल सकते हैं उसको, वो हमारा टोहाना ब्लॉक है जहाँ पे कि सरकार ने नए ट्यूबवेल पे या पानी के दोहन की हम बात करें तो उस पर रोक लगाई हुई है। केवल मात्र कहीं पीने की पानी की नोटिफाइड एरिया में समस्या है तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है जिसके चेयरमैन माननीय उपायुक्त महोदय हैं, उनके से ही के मंजूरी के बाद ही पीने का पानी सिर्फ कहीं जरूरत है तो वहाँ उनको अलाउ किया जाता है, बाकी नोटिफाइड एरिया में किसी को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। और दूसरा, सरकार जो है इस पर भी जोर दे रही है दिनों दिन कि धान का एरिया कम हो उसको जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के तहत जो है मक्का या किसी कम पानी चाहने वाली फसलों की तरफ जो है किसान डाइवर्ट हों। इसमें सरकार ने इस साल से मक्का का जो है प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, एक मक्का खरीद सरकारी स्तर पे होगी तो किसानों। डार्क जोन में है उसका जो जो वाटर लेवल है वो कितने फुट तक है, वो जो है पिछले जोन में आता